आ गया, देखो देखो वो आ गया। तो क्या नाचो मैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। क्योंकि हम खबरों का व्यापार करने नहीं आए हैं, तो हम सच्चा समाचार दिखाने आए हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, हम जनसेवा करने आए हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। यूं तो अर्णब गोस्वामी को सबाई जानते हैं कि वो गोदी पत्रकारिता जगत के नामचीन चेहरों में से एक है, और अपने आका के तलबे चाटने के चक्कर में वो सारी हदें भूल जाते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और उनका सिर्फ एक ही काम है, चिक्खम चिल्लाए। लेकिन ये वाला जो है ना, उनको अब बहुत महंगा पड़ गया। तो वह कहा तो बिगेवा आगे भी देखे ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब भाई ये हुआ यू ना कि बिना सबूत का न्यूज चलाना अर्णब गोस्वामी को बहुत महंगा पड़ गया। लंदन के कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी पे लगभग 36 लाख का जुर्माना लगा दिया कि ले भाई ये बिना सबूत का चलाते रहो न्यूज। अच्छा बात नहीं है। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग अभी यो कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर मामला क्या है। तो बात दरअसल ऐसा है ना कि ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यवसाय अनिल मुसर्रत को लेकर अर्णब गोस्वामी एक न्यूज चलाए थे कि वो जो है ISI के एजेंट है। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई ना, तो फिर इसके पांव तले जमीन खिसक गया। ये भी मेरी गलती है। कहा कि लंदन हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि भैया देखिए, अर्णब गोस्वामी की तरफ से जो न्यूज चलाया गया ना, उसका कोई सच्चाई नहीं है। कहा कि कोई सबूत नहीं है। फिर क्या था, लंदन हाईकोर्ट ने लगभग 35 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना थोप दिया कि ले भैया फैलाते रहो फेक न्यूज। हमने खबरों का व्यापार नहीं किया, क्योंकि आर भारत पर क्या दिखेगा वो आप तय करते हैं। किस तरह का मजाक हो रहा है यहां पर ये? इसलिए हमने वही दिखाया जो आपने कहा। भगवान की आरती उतारिए।